महोदय आपने रेल बजट पे मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय किसी भी व्यक्ति के नियत का अंदाजा उसकी वाणी से नहीं लगाया जा सकता, उसके करनी से व्यक्ति की नियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। महोदय किसी भी व्यक्ति की नियत कैसी है ये उसकी वाणी से नहीं उसकी करनी से आंकी जा सकती है। हम हर काम प्रभु का भरोसा करके जब कार्य शुरू करते हैं महोदय किसी भी व्यक्ति की नियत कैसी है ये अंदाजा उसकी वाणी से नहीं उसकी करनी से लगाया जा सकता है। और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले व्यक्ति भगवान का नाम लेकर के कार्य शुरू करता है, प्रभु का नाम लेकर के कार्य शुरू करता है। आज इस प्रभु ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक जो रेल बजट पेश किया है उस रेल बजट के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि वो बजट जितना प्रोग्रेसिव है वह अपने आप में एक करिश्मा है, एक अजूबा है। बिना किसी का जनता से एक पैसा वसूल किए, बिना कोई भार डाले, बिना कोई किराया बढ़ाए, जिस प्रकार से उन्होंने हर तबके के लिए कुछ ना कुछ रखा है ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। महोदय जैसे बिना किराया बढ़ोतरी के आज अच्छे शौचालयों में अतिरिक्त शौचालय ट्रेनों में और ट्रेनों के अतिरिक्त ट्रेनों के साथ डब्बे जोड़े, 5 मिनट में ई टिकटिंग सुविधा जो यात्रा से 4 महीने पहले भी बुक कराई जा सकती है, यात्री डिब्बों में मोबाइल चार्जर और गाड़ियों की गति जो पहले 20-25 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ही होती थी आज उसको 75 से 100 किलोमीटर तक करने का जो प्रावधान है इसके लिए, और साथ में 3438 फाटकों पे ओवरब्रिज पुल बना करके तथा रेलवे स्टेशनों पर लाकर सुविधा उपलब्ध करा करके जो सारे कार्य बिना जनता पे बोझ डाले शुरू किए जाएंगे ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ रेलवे मिशन के तहत भी आज पहले गत वर्ष में सिर्फ 120 रेलवे स्टेशनों पे ही शौचालय बनाए गए थे और आज 650 रेलवे स्टेशनों पे शौचालय बनाए जाएंगे, 17,000 शौचालय आगे आधुनिक किए जाएंगे और 17,500 शौचालय अब से पहले इस एक वर्ष 9 मास के इसमें कार्यकाल में अब से पहले बना भी दिए गए हैं। और इसी प्रकार से रेल डिब्बों के अंदर भी जो पैसेंजर गाड़ियां थी उनके अंदर भी शौचालय बनाने का प्रावधान रखा गया है। लोकल ट्रेनों के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी प्रकार से किसानों के लिए भी, किसानों के लिए नश्वर पदार्थों का रखरखाव बहुत मुश्किल होता था लेकिन नश्वर पदार्थ जैसे केला है, उनके कई टमाटर की और दूसरी सब्जियां हैं जो अपने आप में खराब हो जाती थी उनके लिए भी यार्डों के ऊपर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की प्रोविजन रखा गया है। रेलवे की क्षमता उद्योगों के लिए, माननीय स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय, आज सबसे ज्यादा जो देश को गति देने वाली बात है हम उद्योगों के माध्यम से ही और रोजगारों का सृजन कर सकते हैं और उसमें सबसे अहम कारगर भूमिका रेलवे ही निभा सकती है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज माननीय मंत्री जी ने इस और भी ध्यान देकर के हमारे इस बजट को जो पीछे 65,000 करोड़ था जिसके लिए जो है ना आज 1,00,000 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है जिसमें लगभग 9400 किलोमीटर दोरी तीरीकरण रेल लाइन की जाएगी और 7,000 किलोमीटर के करीब फास्ट ट्रैक वो दूसरे रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बजट को 2700% बढ़ाया गया है।
ये अपने आप में अजूबा करिश्मा ही नहीं, ये तो एक मानने वाली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी रेल को किस और ले जाना चाहते हैं, कितना उसका विकास करना चाहते हैं। महोदय, ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें बिजली बचत और पर्यावरण का विशेष ध्यान, जिसके लिए रेलवे की निजी पड़ी भूमि पे करीब करीब 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके सस्ती बिजली और बिजली बचत का ध्यान करके 3000 करोड़ रुपए के करीब बचत की जाएगी। महिलाओं के लिए भी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगा करके अलग विशेष गाड़ियों में अतिरिक्त डब्बे जोड़ने का प्रावधान है। टोल फ्री नंबर लगा करके 182 निर्धारित करके सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। राज्यों के लिए सभी राज्यों में ऊपरगामी अंडरपास बना करके फाटकों को समाप्त किया जाएगा। जहां जहां पे महोदय बहुत सारी दुर्घटनाएं ऐसे रेलवे फाटकों पे हुई जो अनमैंड सब स्टेशन थे, मैं इसके विषय में भी विशेष ध्यान हमारे मंत्री जी ने दिया है। इसी प्रकार से सुरेश प्रभु जी ने हमारे इस क्षेत्र कुरुक्षेत्र जिससे हमारा धार्मिक नगरी का और एक लैंड ऑफ महाभारत का नाता है, इसके लिए मैं बहुत विशेष धन्यवाद करता हूँ मंत्री महोदय का, जिन्होंने 27 रेलवे फाटक हरियाणा में दिए, जिनमें से 20 मेरे संसदीय क्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर दिए गए हैं, जिनमें बहुत सारे अनमंड सब स्टेशन थे, जिनमें बहुत सारी दुर्घटनाएं अब से पहले महोदय हो चुकी हैं। महोदय, इसी प्रकार से मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक चीज, एक मांग और रखना चाहता हूँ। आज हमारे इस क्षेत्र का, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र के बीच में जो दोनों धार्मिक नगरियां हैं, इनमें रेल लाइन बिछाने का एक प्रोविजन था, जो पिछली सरकारों ने कहीं भी इस बात का कहीं चर्चा अभी तक नहीं चलाया। तो मैं माननीय मंत्री महोदया और सरकार से, आपके माध्यम से महोदय, मांग करना चाहूंगा कि इस लाइन का तुरंत कोई ना कोई प्रोविजन किया जाए। इसी प्रकार से सहारनपुर से राजकुमार जी एक मिनट सर, इसी प्रकार से सहारनपुर अम्बाला रेल लाइन जो बहुत ज्यादा व्यस्त है महोदय, इसके ऊपर दो रेलवे स्टेशन मुस्तफाबाद और बराड़ा के पास जो ओवर ब्रिज बनने थे, यहाँ पर लोग इस प्रकार से चार चार छह छह घंटे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, और जो रेलवे गाड़ियां खड़ी होने की वजह से जो रोड अवरुद्ध होता है उसके लिए बहुत परेशानी लोगों को होती है। यहाँ पर ओवर ब्रिज बनाए जाने अति अनिवार्य है।